नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वॉर वर्सेस मिशन मंगल मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम करेंगे इन दोनों फिल्मों का कंपैरिजन और जानेंगे इन दोनों में से कौन सी फिल्म ने हमारी बाजी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आपको फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी सभी जानकारियां मिलती रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं फिल्म मिशन मंगल की। दोस्तों मिशन मंगल एक स्पेस ड्रामा फिल्म है जो कि सत्य घटना पर आधारित है, और इस फिल्म का डायरेक्शन किया है जगन शक्ति ने। और दोस्तों जगन शक्ति ने इस फिल्म में बहुत ही अच्छा डायरेक्शन किया है। और दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म के स्टार कास्ट में आपको मुख्य किरदारों में नजर आए थे सुपरस्टार अक्षय कुमार, विद्या बालन, सोनाक्षी सिन्हा, तापसी पन्नू, नित्या मेनन, शर्मन जोशी और कीर्ति कुल्हारी जैसे एक्टर। और अगर बात करें इस फिल्म के लिए रिव्यूज की तो दोस्तों आपको बता दें कि मिशन मंगल को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से शानदार रिव्यूज मिले थे और बहुत ही शानदार रिस्पांस मिला था। और दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म के रिलीज की तो आपको बता दें इसे इंडिया में लगभग 3100 स्क्रीन्स पर, ओवरसीज में लगभग 600 स्क्रीन्स पर, यानी कि वर्ल्ड वाइड टोटल 3700 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था। और दोस्तों इसे रिलीज किया गया था इंडिपेंडेंस डे पर, यानी कि 15 अगस्त को। और दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म के बजट की तो आपको बता दें कि मिशन मंगल मूवी एक कम बजट की बहुत अच्छी फिल्म है। इस फिल्म का बजट है लगभग 40 करोड़ रुपए। और दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म के वर्डिक्ट की तो आपको बता दें दोस्तों कि मिशन मंगल मूवी ब्लॉकबस्टर रही है। जी हाँ दोस्तों, 2019 की ब्लॉकबस्टर। और दोस्तों अगर बात करें मिशन मंगल फिल्म की कमाई की तो आपको बता दें कि इस फिल्म को पब्लिक का बहुत ही शानदार रिस्पांस मिला था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही जबरदस्त कमाई की थी। और अगर बात करें इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की तो आपको बता दें कि इसका इंडिया नेट कलेक्शन है 203 करोड़ 6 लाख रुपए, इंडिया ग्रॉस कलेक्शन है लगभग 236 करोड़ रुपए, इसने ओवरसीज में शानदार कमाई की थी और कमाए थे लगभग 54 करोड़ रुपए। और अगर बात करें इसके वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो दोस्तों आपको बता दें कि मिशन मंगल ने वर्ल्ड वाइड पर कमाई की थी लगभग 290 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, 290 करोड़। और आइए दोस्तों अब बात करते हैं वॉर फिल्म के बारे में। दोस्तों वॉर एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें आपको जबरदस्त हॉलीवुड लेवल का एक्शन देखने को मिला। और दोस्तों इसे प्रोड्यूस किया है आदित्य चोपड़ा ने, इसका डायरेक्टर है सिद्धार्थ आनंद। और दोस्तों ये फिल्म यश राज फिल्म्स के बैनर तले बनी है। और अगर बात करें इस फिल्म के स्टार कास्ट की तो इसमें आपको मुख्य किरदारों में नजर आए हैं ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ, वाणी कपूर, आशुतोष राणा जी, अनुप्रिया गोएंका और दिपानिता शर्मा जैसे एक्टर्स। और अगर बात करें इस फिल्म के लिए रिव्यूज की तो दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों के ही अच्छे रिव्यूज मिले और ऑडियंस का बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। और अगर बात करें इस फिल्म के रिलीज की तो दोस्तों आपको बता दें कि इसे 3 भाषाओं में रिलीज किया गया था, हिंदी, तमिल और तेलुगु। और दोस्तों इसे रिलीज किया गया था इंडिया में लगभग 4000 स्क्रीन पर, ओवरसीज में लगभग 1350 स्क्रीन पर, यानी कि वर्ल्ड वाइड टोटल 5350 स्क्रीन पर। और दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म के बजट की तो आपको बता दें कि वॉर एक बड़े बजट की फिल्म है। इस फिल्म का बजट है लगभग 200 करोड़ रुपए। और अगर बात करें इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की तो आपको बता दें कि इसने अपने 11वें दिन कमाए थे लगभग 11 करोड़ 80 लाख रुपए, 12वें दिन कमाए थे लगभग 14 करोड़ रुपए, और ये अपने 13वें दिन यानी कि आज कमा सकती है लगभग 5 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, 13वें दिन यानी कि आज लगभग 5 करोड़ रुपए। इसका अब तक का इंडिया नेट कलेक्शन है लगभग 276 करोड़ 75 लाख रुपए, इंडिया ग्रॉस कलेक्शन है लगभग 323 करोड़ रुपए, इसने ओवरसीज में शानदार कमाई की है और कमाए है लगभग 71 करोड़ रुपए। और अगर बात करें इसके वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की तो आपको बता दें दोस्तों कि इसका अब तक का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है लगभग 394 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, 394 करोड़। तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस में वॉर फिल्म ने मारी बाजी, रिव्यूज में मिशन मंगल फिल्म ने मारी बाजी, ऑडियंस रिस्पांस में वॉर फिल्म ने मारी बाजी। और दोस्तों अगर बात करें कि इन दोनों में से कौन सी फिल्म रही ज्यादा फायदे में तो आपको बता दें कि वॉर फिल्म ने अपने बजट से 3 गुना ज्यादा कमाई की है और मिशन मंगल फिल्म ने अपने बजट से 8 गुना ज्यादा कमाई की है। जी हाँ दोस्तों, 8 गुना ज्यादा। तो इस बारे में मिशन मंगल फिल्म ने मारी बाजी। दोस्तों आपको क्या लगता है, अगर आपने ये दोनों फिल्में देखी है तो आपको इन दोनों में से कौन सी फिल्म ज्यादा अच्छी लगी, कौन है इन दोनों में से आपका फेवरेट सुपरस्टार, सुपरस्टार ऋतिक रोशन या सुपरस्टार अक्षय कुमार, आपको इन दोनों फिल्मों में किस एक्टर का काम सबसे ज्यादा अच्छा लगा, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर करें।